कितने मीठे अमरूद हैं। शुक्रिया जग्गू। जा रही हो चुटकी? माँ के लिए, उन्होंने मंगाए हैं। चलो मैं भी चलता हूँ। वैसे भी अब अमरूद से मन भर गया। अच्छा, मगर लड्डू से तो कभी मन नहीं भरता तुम्हारा। हाँ, लड्डू से याद आया, चलो टुनटुन मौसी के पास चल के थोड़े लड्डू खाते हैं। इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। गुड़ गुड़ माया, साधु को डराया, दम दम कहना, हमेशा डरते रहना। तो बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, अब हम कभी लड्डू नहीं बना सकेंगे। बाजी कह रही है, सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ। ठीक है जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। गालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि अगर सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। पर कोई तुम्हें जेल में क्यों डालेगा कालिया? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। सोते हुए साधु महाराज जंगल में? शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा। रुकिए, क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। वो जरूर कालिया और ढोलू भोलू ही होंगे। मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ महाराज, हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना, डिम डिम डम डम डिगी मिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगी मिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? ये तो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बच कर दिखाओ। अरे वाह भीम,
टीम, तुम तो वाकई होशियार निकले, क्या बात है। लेकिन असली मुकाबला तो अब होगा, अब। दुनिया डरती होगी तुमसे डरपोक दानव, पर मैं नहीं। महाराज के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सही समझे कालिया। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। ये ले भोलू। इतनी जल्दी नहीं ढोलू। तुम दोनों को तो मैं अभी बताता हूँ। उस्ताद, गलती हो गई। समुद्र की कसम, मैंने सात समुद्र में इन जैसा कुछ नहीं देखा। हमारी रौनकपुर की यात्रा कितनी अच्छी थी ना? हाँ चुटकी, लेकिन अब ढोलकपुर की याद आ रही है। हम घर कब पहुँचेंगे कप्तान समुद्र सेन? ये तो हमें फर्स्ट मेट ही बताएगा भीम, फर्स्ट मेट राजू। हम वक्त पर पहुँच जाएंगे कप्तान। समुद्र की कसम, बहुत अच्छे फर्स्ट मेट। जग्गू, भीम का जन्मदिन आ रहा है और ढोलकपुर और माँ के लड्डुओं के बिना जन्मदिन अधूरा होगा। भीम के जन्मदिन से पहले ढोलकपुर जरूर पहुँचेंगे। आज तक कोई भी जहाज वलहला के काले समुद्र से वापस नहीं आया। काला समुद्र? काला समुद्र और उसका काला पानी। नहीं, कप्तान कैसे बन गए? हट राजू, काला समुद्र। मैं बताता हूँ असली कप्तान क्या होता है। उस्ताद जरूर हमारी नैया डुबाएंगे। उस्ताद क्या कर रहे हो? सब अपनी जगह ले लो। समुद्र की कसम, ये तूफानी रात होगी। वाल्केरी राजा बनेगा, आखिर वो दिन आ ही गया। वाल्केरी, 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 वाल्केरी। हम फिर मिले भीम, मेरे भैया का ताज लेने आया हूँ मैं। तुम्हें ताज के बारे में कैसे पता? लड़के, इस काले समुद्र की हर लहर मेरी गुलाम है। जाओ ले आओ ताज। वल्केरी, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। पकड़ लो इन्हें। भीम, कोई भी कप्तान अपने नाविकों को कुर्बान नहीं करता। ले चलो हमारे मेहमानों को। लुटेरों, कहाँ है वनीर? ये लो भीम, तुम्हारा दोस्त वनीर।
या लुटेरा वानिर, मेरा सबसे शातिर लुटेरा। तुम लोगों को अच्छा बुद्धू बनाया सरदार ने, बेवकूफ अजनबी पर भरोसा कर बैठे। खा लो चुटकी। चले जाओ वनीर, तुम जैसे गद्दार से हम कुछ नहीं लेंगे। नहीं सरदार, हम सबको तुम्हें भी आजाद करेंगे। सरदार ने वादा किया है हम सब आजाद होंगे, तुम देखना। मुझे ताज का राज जरूर बताएगा वो काला मोती। होया काला मोती वनीर। काला मोती मिलते ही वाल्केरी राजा बनेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा वाल्केरी। जग्गू, वनीर ही काला मोती है, उसे सब बताओ। मैं ढोलकपुर जहाज को बचाता हूँ, तुम जल्दी जाओ। खेल खत्म बच्चों, मुझे मोती दे दो। चुटकी, हमें भीम तक पहुंचना होगा। दोस्तों यहाँ। नहीं, भीम के दोस्त उस तक नहीं पहुंचेंगे। आप लोग आ गए। वनीर, घर चलो। भीम, अगर मैंने टापू पर पैर रखा तो? वनीर, कुछ नहीं होगा, हमारे पास ताज है। भीम, ये क्या, हमारा ताज एक लुटेरे के पास? राजकुमार फेनीर, ये कोई लुटेरा नहीं, आपका भाई है। लुटेरा? मेरा भाई? तुमने हरा दिया वाल्केरी को। ले आए तुम होलहला का काला मोती। राजकुमार, ये आपके बड़े भाई हैं, जिसे उस रात वाल्केरी चुरा ले गया था। एक बहुत बड़ा खतरा ढोलकपुर को ढूंढते हुए आ रहा था। हमारा धुनी उस तरफ है, बस कुछ ही हफ्तों में हम उसके सामने खड़े होंगे। मेरे गुरु जी का तख्ता। धुनी बाबा को अपने गुरुकुल का वो दिन याद आया। Thank you.
प्रचंड योद्धा आ रहे हैं वो मेरा पता जान चुके हैं। अब मुझे इंद्र वर्मा को इत्तला करके ढोलकपुर की रक्षा के बारे में सोचना होगा। पर अब उन लोगों को मेरा पता चल चुका है और इसे हासिल करने के लिए वो ढोलकपुर की ओर आ रहे हैं। अगर उन्हें ये तख्ता मिल गया तो वो दुनिया के लिए खतरनाक होगा, और अगर नहीं मिला तो ढोलकपुर के लिए बड़ा संकट हो सकता है। बाबा, उन्हें इतना शक्तिशाली तख्ता नहीं मिलना चाहिए। हाँ बाबा, भीम सही कह रहा है, पर हमें ढोलकपुर की सुरक्षा के बारे में सोचना ही होगा। बाबा, ढोलकपुर की पूरी सेना आपकी सेवा में है। हाँ बाबा, हम भी हाजिर हैं, सब मिलकर उन्हें रोकेंगे। आप आदेश दीजिए बाबा, हमें क्या करना होगा। पता नहीं उनके सामने पूरी सेना भी टिक पाएगी या नहीं। बाबा, एक योद्धा कभी चुनौती को नहीं ठुकराएगा। जब वो ढोलकपुर आएंगे हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। जीत गए तो तख्ता उनका, और अगर हार गए तो खाली हाथ वापस चले जाएं। बढ़िया सोच है चुटकी। बाबा, हम उन्हें चुनौती जरूर देंगे। धुनी, बूढ़े हो गए हो। हाँ, तो तुम्हें पता चल ही गया कि हम आ रहे हैं। हाँ, पर भुजंग, तुम वो पाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। कौन है मुझसे ज्यादा लायक इस दुनिया में? गुरुजी के पास वो तख्ता नहीं होता तो मैं गुरुजी को भी हरा देता। भुजंग के मन में पहले से ज्यादा विष भर गया है, अब वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा। अब बोलो, चुनौती मंजूर है? ठीक है, तैयार हो जाओ। और भी हम सब दोस्तों का प्यार तुम्हें ये लड्डू के रूप में शक्ति देगा। लड्डू। वाह। विश्वास तोड़ने वाला हूं। भीम! तुमने सुना भी नहीं होगा, अगर तुम है तो इसका सामना करो। ये क्या सवार है? मुकाबला अब खत्म हो चुका है। तोड़ दिया मैंने तुम्हारे योद्धा को और तुम सबके विश्वास को। ये कैसे हो सकता है? भुजंग के पास कैसे जा सकता है? समय आने पर कुदरत खुद ही इसे सही योद्धा के पास पहुंचाएगी। भुजंग, मैं अभी मैदान में ही हूँ। सही कहा तुमने, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आओ।